हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार, एमएमएससी एमकेपी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल। आज हम आपको क्या बताएंगे? जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल। समझिए, जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल क्या होता है। मान लीजिए कोई एक पॉलीनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। कोई एक पॉलीनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। अब हमें समझना है कि जीरोस का मीनिंग क्या होता है। जीरोस मतलब होता है कि इस पॉलीनोमियल में, जीरोस मतलब होता है कि इस पॉलीनोमियल में एक्स की क्या वैल्यू रखे। इस पॉलीनोमियल में इस वेरिएबल यानी एक्स की क्या वैल्यू रखे ताकि इस पॉलीनोमियल का वैल्यू ज़ीरो हो जाए। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस वैल्यू पर वेरिएबल के, जिस वैल्यू पर पॉलीनोमियल का मान ज़ीरो होता है, तो वो वेरिएबल का वैल्यू ही पॉलीनोमियल का ज़ीरोस कहलाते हैं। तो दोस्तों, इस पॉलीनोमियल का यदि जीरोस पूछा जाए तो इस पॉलीनोमियल का जीरोस क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव होगा, क्योंकि जैसे ही हम इसमें एक्स की वैल्यू माइनस फाइव पुट कर रहे हैं तो माइनस फाइव प्लस फाइव सॉल्व करेंगे तो मान कितना आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। यानी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव पॉलीनोमियल का वैल्यू ज़ीरो हो जा रहा है। इसीलिए इस पॉलीनोमियल का जो जीरो जो होगा वो क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव होगा। एक और क्वेश्चन, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव। हमें इस पॉलीनोमियल का जीरोज फाइंड आउट करना है, हमें इस पॉलीनोमियल का शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल का वो वैल्यू यानी एक्स की वो वैल्यू जिस पर इस पॉलीनोमियल का वैल्यू ज़ीरो आ जाए, तो वही एक्स का वैल्यू क्या कहलाएगा? इस पॉलीनोमियल का ज़ीरो कहलाएगा। तो जब हम यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू फाइव रखेंगे, एक्स इज इक्वल टू फाइव, तो 5 रखेंगे तो 5 माइनस फाइव कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। यानी एट एक्स इज इक्वल टू फाइव पर इस पॉलीनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ जा रहा है, इसीलिए इस पॉलीनोमियल का एक शून्य क्या होगा? 5 होगा। अब दोस्तों, इसका हम तरीका सीखेंगे कि किसी भी पॉलीनोमियल का जीरोस कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों, किसी भी पॉलीनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करने को पूछा जाए तो सबसे पहले आप उस पॉलीनोमियल को ज़ीरो के बराबर कीजिएगा। हम कर दे रहे हैं, पॉलीनोमियल क्या है? एक्स माइनस फाइव, इसको किसके बराबर करेंगे? ज़ीरो को इक्वेट करेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस में ट्रांसपोज हो जाए तो किस में हो जाएगा? प्लस में। यानी इस पॉलीनोमियल का एक ज़ीरो क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू फाइव होगा। एक और क्वेश्चन, 3x माइनस टू, पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस टू। हमें इस पॉलीनोमियल का एक शून्य ज्ञात करना है, मतलब एक जीरो हमको फाइंड आउट करना है। जिस पॉलीनोमियल का जीरोज पूछा जाता है तो सबसे पहले उस पॉलीनोमियल को हम ज़ीरो के बराबर इक्वेट करते हैं एंड वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसको हम किसके बराबर इक्वेट करेंगे? ज़ीरो के। 3x है, ये माइनस में है तो ट्रांसपोज हो तो किस में हो जाएगा? प्लस में। एंड x इज इक्वल टू टू, मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में। यानी इस पॉलीनोमियल के लिए एक शून्य क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू टू बाई थ्री। एक और क्वेश्चन,
पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इस पॉलिनोमियल का हमें एक शून्य ज्ञात करना है। सिमिलरली शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो पॉलिनोमियल होता है, हम पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करते हैं। तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो एंड ए एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस में तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस बी है तो बी, ए मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी इस पॉलिनोमियल का एक शून्य क्या होगा, माइनस बी बाई ए। अब हम आपको पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाता है हम आपको ये बताएंगे। जैसे में हम क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं, पी एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व एट एक्स इज इक्वल टू वन। क्वेश्चन ये है क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि पी एक्स कोई एक पॉलिनोमियल है और वो क्या है, फोर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व एंड एट एक्स इज इक्वल टू वन, एट एक्स इज इक्वल टू वन पर इस पॉलिनोमियल का हमें क्या ज्ञात करना है, वैल्यू ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है, जिस पर पूछा जाए, किस पर पूछा जा रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू वन पर, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां आप वन रखिएगा। एट एक्स इज इक्वल टू वन पर पूछा गया है, हमें किसका मान ज्ञात करना है, इस पॉलिनोमियल का हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है एट एक्स इज इक्वल टू वन पर। तो जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है, एक्स की जगह पर कितना रखिएगा, वन, फोर है तो फोर, एक्स की जगह पर वन स्क्वायर, सेवन इंटू वन प्लस ट्वेल्व, वन का स्क्वायर वन, सेवन वन जा सेवन, प्लस है तो प्लस, ट्वेल्व है तो ट्वेल्व, सेवन फोर माइनस सेवन प्लस ट्वेल्व, फोर एंड प्लस ट्वेल्व एंड माइनस सेवन कितना होता है, फाइव होता है, फाइव प्लस फोर कितना होता है, नाइन होता है। तो फ्रेंड्स एट एक्स इज इक्वल टू वन पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आया है, नाइन आया है। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल का मान ज्ञात करना है एट टी इज इक्वल टू ए। फ्रेंड्स इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था हम आपको बताए थे कि एट एक्स इज इक्वल टू वन, यानी जहाँ जहाँ एक्स रहेगा वहाँ वहाँ पर आप वन रखिएगा। सिमिलरली एट टी इज इक्वल टू ए, यानी जहाँ जहाँ टी होगा आप वहां पर कितना रखिएगा, ए रखिएगा। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लो, टी का वैल्यू कितना रखना है, ए रखना है। तो जहां जहां टी है आप वहां पर कितना रखिए, ए, तो थ्री ए का पावर फोर प्लस फोर ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस फाइव, सॉल्व हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ दिया जाता है एट टी इज इक्वल टू वन, अगर क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है एट टी इज इक्वल टू वन, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर हम कितना पुट करते हैं, वन पुट करते हैं। पुट करके देखें, एट पी इज इक्वल टू वन, थ्री इंटू वन टू द पावर फोर प्लस फोर इंटू वन टू द पावर थ्री माइनस वन स्क्वायर प्लस फाइव।
वन टू द पावर फोर कितना होता है, वन होता है। वन से थ्री में मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री, वन टू द पावर थ्री कितना होता है, वन होता है। वन से फोर में मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर, माइनस वन का स्क्वायर वन, प्लस है तो प्लस, एंड फाइव है तो फाइव। फाइव और फोर नाइन, नाइन और थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व में से वन सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा, एलेवन आंसर। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ फ्रेंड्स आप बहुत सारे लोगों के बीच आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और जो है उन लोगों को कुछ प्रॉफिट हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।